गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर विकास सक्सेना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ड्राइंग ऑफ क्लास 8। आई होप यू हैव बुक्स। तो मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं रिलेटेड टू आर्ट्स, किस तरीके की आर्ट्स होती हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं, किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं जब भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, और क्या क्या बहुत ही स्पेशलिटीज़ चाहिए होती हैं जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो कुछ फिनोमिना है जो हमें समझना है, पहले हम उनको समझेंगे और आफ्टर दिस क्लास आई विल गिव यू द ड्राइंग मेथड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ आर्ट इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, इफ़ यू डोंट हैव बुक प्लीज़ टेक अ बुक, और अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है तो आप ईयरफोन भी ले लीजिए फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। नाउ कम टू द टॉपिक, लाइक व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या है, कला क्या है। आर्ट मेक आवर लिविंग स्पेस ब्यूटीफुल, बी इट आवर होम डिकोर, डिस्प्लेज इन शॉपिंग एरियाज, मोजैक्स एंड मुरियल्स इन सबवेज और लार्ज स्कल्पचर इन पब्लिक स्पेसेस। आर्ट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर एंड अट्रैक्टिव। आर्ट जो है वो रहने की जगहों को खूबसूरत बनाता है, हमारे फर्नीचर को खूबसूरत बनाता है, शॉपिंग एरियाज को खूबसूरत बनाता है, आपकी जो सबवेज होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, जब भी हम लोग कभी गुफा की बात करते हैं, एंशिएंट गुफा की बात करते हैं या आज के टाइम की सबवेज की बात करते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है पेंटिंग्स बनी होती हैं। तो वो हमें एक क्लियर कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल है उसको डेवलप करती हैं, हमें बताना चाहते हैं कि किस किस तरीके के पैटर्न्स जो हैं आर्ट्स में होते हैं। तो इन द सेंस आर्ट एक ऐसी थिंग है जो कोई भी चीज़ को ब्यूटीफुल बना सकती है। अब इसमें एग्जांपल्स थे होम फर्नीचर के, गुफाओं के, मूर्तियों के, स्कल्पचर जो था, है ना, और आपके बहुत सारी चीज़ों के इसमें फंक्शंस थे। बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑलरेडी गिवन है, लाइक दिस, इट इज़ अ डार्क फिगर, इट इज़ एन कलर फिगर। नाउ कम टू दिस फिगर, दिस इज़ अ मैगजीन कवर पेज, लाइक मैट किड्स इज द नेम ऑफ दिस मैगजीन। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग से। सी द यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स ऑन दिस मैगजीन कवर, इट ग्रैब्स द व्यूअर्स अटेंशन व्हेन डिस्प्लेड ऑन द न्यूज स्टैंड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैगजीन कवर है वो इतना अट्रैक्टिव है कि अगर ये किसी शॉप में बिक रहा होगा तो आपकी नज़र एक ना एक बार इस पर ज़रूर जाएगी। तो इस टाइप की जो पेंटिंग है, आर्ट्स है, ये अट्रैक्टिव पेंटिंग्स में आ जाती है, अटेंशन ग्रैब कर लेती है, लोगों को प्रभावित कर लेती है अपनी तरफ, ठीक है। तो यही कुछ तरीके हैं जब हम लोग, जिसको जैसे आर्ट पसंद बहुत होती है, पेंटिंग में जिसका इंटरेस्ट काफ़ी होता है, उसके लिए सब्जेक्ट उसका करियर बनाने में हेल्पफुल होगा। और जिनको सिर्फ हेल्पफुल के अलावा बस अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए रिलेटेड टू आर्ट, ओके, बिकॉज इट इज़ योर ऑल्सो अ सब्जेक्ट। नाउ अ वर्क ऑफ आर्ट इज़ पॉपुलर और ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी आर्ट की जब बात करते हैं तो वो इसके कंपोजिशन, मतलब इसके जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से ये ब्यूटीफुल बनती है। एनी वर्क ऑफ आर्ट लुक्स प्लीजिंग टू द आईज इफ़ देयर इज़ परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव स्पेसेस इन इट। कोई भी आर्ट हमारी आँखों के लिए सुखदाई होगी, जब हम उसको देखेंगे तो हमें अच्छा प्रतीत तब होगा जब उसमें एक परफेक्ट बैलेंस हो, सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के बीच में एक अंतर जरूर हो, डिफरेंस जरूर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें ही समझ में ना आए, कुछ पॉजिटिविटी अगर हम लोग ढूंढने निकलें तो उसमें हमें कुछ नेगेटिविटी मिल जाए। कुछ इस तरीके से आर्ट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ दिस हार्मनी कैन बी अचीव्ड बाय द यूनिफॉर्म यूज ऑफ कलर्स, फॉर्म, शेप्स, कॉन्ट्रास्ट, टेक्स्चर, लाइट, शेड एंड परसेप्टिक, ठीक है। जो जो हारमोनी है, अब हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एकता, ठीक है, यूनिटी। तो ये तभी मिल पाती है जब कलर का कॉम्बिनेशन, शेप का कॉम्बिनेशन, जो उसका कॉन्ट्रास्ट है उसका कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है, ठीक है,
प्रॉपर पर्सपेक्टिव में होता है. फॉर एग्जाम्पल, द इंटीरियर ऑफ अ रूम प्लीज इज द आई ओनली वेन द कलर ऑफ इट्स वॉल्स एंड फर्निशिंग आर इन हारमनी विद इट और कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर जब भी हम किसी रूम की बात करते हैं, रूम में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो जो फर्नीचर होता है उनके जो कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तभी हमें वो ईजिली देखने में अच्छे भी लगते हैं, हम लोग कम्फर्टेबल भी होते हैं. इनकेस आप इमेजिन करो, आप एक ऐसे रूम में जाते हो जिसमें सभी वॉल्स का, फ्लोर का, सीलिंग का, फैन का, जो भी उसमें ऑलरेडी फर्नीचर अवेलेबल है, सभी का कलर अगर सेम हो, लाइक इफ़ यू अज्यूम वाइट कलर, तो इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर योर आइज़. जब आप इसको पहली बार देखोगे तो क्या आपको लगता है ये आपके लिए देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे कंपोजिशन एक ही कलर के बने हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. हमें ये नहीं पता कि जो फ्लोर है वो वाइट है या कि जो फ्लोर है वो सीलिंग है. मतलब कन्फ्यूजन सी एक हो जाती है कि ये किस में बैठे हैं. अगर आप देखो, आप बेड पे हो जिसका गद्दा भी वाइट है, बेड का कलर भी वाइट है, चेयर का कलर भी वाइट है, सोफे का भी कलर वाइट है, एवरीथिंग इन द रूम आर इन वाइट कलर, तो क्या होगा? आप इमेजिन अगर एक बार करके देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है सूटेबल तरीके से. क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट. इफ़ यू नो हाउ टू मेक अ पेंटिंग विथ डिफरेंट कलर विथ गुड कॉम्बिनेशन, तभी आप एक प्रॉपर आर्टिस्ट कह सकते हो, बन सकते हो. आपको एटलीस्ट आर्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर्ट ही नहीं है तो प्रॉब्लम होती है बहुत सी सारी चीज़ों में, क्योंकि आर्ट ही हमें थोड़ा सा एक टेंशन फ्री रखती है मेरे हिसाब से. कंटिन्यू करते हैं. सी द यूज़ ऑफ वार्म कलर्स इन द डिकोर ऑफ द रूम इन द इमेज. वार्म कलर का मतलब ये नहीं होता कि गर्म कलर है, लेकिन ऐसे कलर जो आँखों को देखने में चटकीले लगें, कहते हैं ना कि थोड़ा शाइनी कलर है, तो वो वार्म कलर कहलाते हैं. वो स्पेशल फर्नीचर्स के लिए बेटर होते हैं, क्योंकि जो कलर होते हैं डार्क कलर होते हैं, डार्क की बात अगर करते हैं जिसे हम लोग वार्म कलर भी कह लेते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, उनका कलर डैमेज नहीं होता कह सकते हो इन द सेंस, और वो इजीली विजिबल है, एक्सेसिबल है. हम लोग जब भी अगर थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर है लेकिन हम लोगों को कहीं बैठना है, और अगर कलर कॉम्बिनेशन आपकी आँखों में सूटेबल होता है देखने में, हाँ ये एक कलर है, तो हम लोग बिना देखे भी उस चेयर पर बैठ सकते हैं. लेकिन अगर मैं वहीं आपकी बात करूँ वाइट कलर के रूम की, तो क्या उसमें आप अगर आइडिया से भी आप जाओगे तो क्या आपको गारंटीड है कि आप उसी चेयर में बैठोगे जो आप बैठना चाहते हो और प्रॉपर तरीके से बैठ पाओगे? तो एक कलर कॉम्पोजिशन भी होता है कि जो आपको एक हैबिट दे देता है कि हाँ इस कलर की चेयर होती हैं. लाइक आई एम गिविंग यू अदर कलर लाइक दिस, ये कलर कॉम्बिनेशन है प्लाई का, तो ये भी कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वार्म कलर किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह, ठीक है. कंटिन्यू करते हैं आगे. अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हारमनी इन कॉन्ट्रास्ट विच क्रिएट्स इंटरेस्ट इन कॉम्पोजिशन सी द इमेज ऑफ विंडोज डिस्प्ले. एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे कह सकते हैं कि कंपोजिशन होता है कलर का विंडोज़ में, खिड़कियों में. देखो अगर आपने नोटिस किया होगा, कांच भी लगा होता है और उसके आस, ऑब्वियसली कांच के पूरी तो विंडो होती नहीं है, आसपास प्लाई है, कुछ ना कुछ होती है. अगर मैं आपको दिखाऊं स्कूल की आपकी विंडो की बात करें, तो विंडो का देखो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट है आपका. इसमें क्या होता है कि आपका कलर जो कॉम्बिनेशन है वो सेम तो है, लेकिन आपका प्रॉपर देखने में लग रहा है कुछ इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन से. आप आई थिंक समझ भी गए होंगे. नाउ कम टू द टॉपिक. और आप लोग फैमिलियर हो अपने स्कूल से, तो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी डिफरेंट टाइप की इमेजेस में. कंटिन्यू करते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हारमनी इन कॉन्ट्रास्ट विच क्रिएट्स इंटरेस्ट इन अ कंपोजिशन सी द इमेज ऑफ विंडो डिस्प्ले. हालांकि अभी मैंने आपको जो दिखाया उसका कंपोजिशन बिल्कुल अच्छा देखने में लगा. अगर मैं यहीं इस कांच के साथ ब्लैक कलर का लगा देता हूँ तो कंपोजिशन इतना बेटर नहीं लगेगा. कहने का मतलब है कि कंपोजिशन बेटर होना चाहिए. कलर्स आर वेरी कॉन्टेक्चुअल. ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट हैज़ विविड कलर्स एंड देयर कलर पैलेट्स कंप्राइजेज मोस्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर. देखो पुरानी अगर बात करूँ, सभ्यता की बात करें, इंडियन का ट्रेडिशन की परंपरा की बात करते हैं, जो पुराने टाइम में कलर का कंपोजिशन होता था वो फ्रूट कलर से होता था या फिर फ्लावर कलर से होता था. उसी टाइप के हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में कंसिडर करते हैं. अब प्राइमरी और सेकेंडरी में ये भी आता है कि पहले आप जब कलर करते हो कोई आर्ट का, तो आप पहले एक बैकग्राउंड देते हो, बैकग्राउंड जैसे हो गया प्राइमरी, उसके बाद आप सेकेंडरी में उसकी इमेजेस फॉर्म करना स्टार्ट करते हो, तो ये हो गया सेकेंडरी. तो दोनों कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ. नाउ कम टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर यूज्ड थ्रू
sorry, complementary colors are also used to during festival and weddings. अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं आपका फेस्टिवल्स में यूज़ होते हैं, वेडिंग्स में यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़. आप जब कलर्स के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा, जैसे मैं अगर पेंट की बात करता हूँ तो वो फ्लोर्स में होते हैं, वॉल्स में होते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ पेंट को आप प्रॉपर कहीं ऐसी जगह पर लगा दो लाइक फर्नीचर में, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फर्नीचर का पेंट अलग होता है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वर्क करते हैं. अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करता हूँ, जो कलर शेडेड कलर होते हैं, लाइक डस्ट कलर कह सकते हो आप उसको, डस्ट कलर भी होते हैं और भी जगह पे. आप वेडिंग्स में, आपको मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो रंगोली की बात कर लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं. आगे की क्लासेस में हम लोग डिफरेंट इनके सारे समझेंगे, सभी में अलग अलग जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो समझेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा. कोई भी समस्या आ रही है, वैसे आर्ट्स में इतनी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज नहीं होती, तब भी इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.